बस दो दिन बचे हैं, दो दिन के अंदर बकरीद चालू होने वाली है। इस बकरीद के अवसर पर हम जिला स्कूल चौक में हैं। जिला स्कूल में देख सकते हैं एक नौजवान लड़का एक बकरीद लाया उसको बेचने, क्योंकि परसों बकरीद है। अब बकरीद के रोज बकरियों की कुर्बानी दी जाती है। आइए मिलेंगे इससे, पूछेंगे इसका नाम क्या है। बोलो आपका नाम क्या है? मेरा नाम शकील है। अच्छा, ये बकरी आप जो लाया किस लिए लाया? कुर्बानी के लिए। बकरीद कब है? 21 तारीख। 21, इसको क्या रेट रखें आप? 21,000। अच्छा, बहुत सस्ता में आपका बकरी है। अच्छा, तो ये कहाँ से लाए? पाले थे कि पाला हुआ है? कितना दिन, कब से पाले उसको? ये हो गया 6 साल हो गया। 6 साल से पाले हो, छोटा बचपन से इसको। अभी हमने से आपका पूरा नाम क्या बोले? एमडी शकील से मिले और उन्होंने कहा मैं 6 साल से बकरी को पाला हूँ। अब 21 तारीख को बकरीद है, अब बकरीद के रोज मैं इसको कुर्बानी दिया जाएगा, इसलिए मैं बकरी को बेचने के लिए आया हूँ। तो इसके आगे साल भी आप बेचे थे क्या? आगे साल कितने रुपये बकरी बेचे थे? दो कितना में बेचे थे? 40,000। एक का 40 के, दोनों का? दोनों का। आगे साल 20,000। अभी चीज है तो कोई खास दाम भी नहीं बढ़ा। आइए देखिए किस तरह। अब इनका बात सुने हमने, ये कहते हैं मैं आगे साल भी बकरी बेचा, ये साल बेच रहा हूँ, बकरी को पालता हूँ। ठीक बकरीद के रोज बकरियों की कुर्बानी होती है, कुर्बानी के लिए मैं दिया जाता है, क्योंकि इस दिन बड़ा शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन उसी दिन बकरीद के रोज में कुर्बानी दी गई थी। और तो जब उनके अपने उन्होंने कुर्बानी दी तो उसने अपने बच्चे की कुर्बानी मंगी गई थी, तो एक ने आके अपने बच्चे दिए कि इसको आप लीजिए कुर्बानी कीजिए, तो बाद मालूम है बच्चा जिंदा रह गया और अंदर में बकरी की कुर्बानी दी गई। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।